किया, आगे बढ़ाया और इस योजना को विधानसभा से मंजूरी दिला दी। आज आप देखेंगे तो पूरा वागले स्टेट जो एरिया है, और फिर पहले तो पहली चरण में तो महासभा में इसमें ये 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का उनका प्लान आया महासभा में। वो 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया बाकायदा। आज आप देखेंगे वो अगले स्टेज में क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है। और जो यहाँ के अपने राबोड़ी के जो नगर सेवक नजीब मुल्ला, इन्होंने भी बहुत हद तक फॉलोअप करके उस चीज को आगे बढ़ा के उनका भी अभी काम फाइनल स्टेज पे, वो राबोड़ी का भी क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा जल्द ही। तो इसके लिए मैंने भी मेरे पत्र 2014 में मैंने भी इसका फॉलोअप लिया था बाकायदा। इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो थाना में जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है, वही हालत मुमरा की थी। मुमरा में भी वही उस वक्त जो इमारतें बनी थी अनधिकृत इमारतें, तो उस इमारत को SRA वाला कोई या SRD वाला कोई भी आके डेवलप नहीं कर सकता। तो उसके लिए यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में कि मेरा जो एरिया है इसमें ये हमारा जो क्लस्टर है 31-1 है, और सामने जो संजय नगर का एरिया है वो 38-2 है, पार्ट 2 है। तो ये जो क्लस्टर की योजना थी, मैंने भी महासभा में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव की सूचना दिया, फिर मेरी भी क्लस्टर की मंजूर हो गई। फिर उसके बाद में मैंने प्लेन टेबल सर्वे के लिए अपना बजट ये करके ये किया। फिर उसके बाद में जब मैं 2014 के बाद में इसका बहुत सारा फॉलोअप लेके गया, तो बहुत सारी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते गया ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। आज बीच में मैं जब 2017 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, तो राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे ऐसा बता रहे थे कि बहुत बड़ा विकास कर रहे, तो उस विकास को देखते मैं भी देखने को गया, तो देखा तो विकास तो था ही नहीं, वो तो भकासी था। उसके बाद में हमारे जो रहनुमा थे, जो राह बताने वाले, हम जिनको अपना रहनुमा समझते थे, तो उनको बताया कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इस क्लस्टर डेवलपमेंट में टांग डालने का काम सबसे बड़ा पहले काम किया। फिर जब मैंने ये उनके साथ छोड़ा 2023 में, जब मैं उनका साथ छोड़ा, तो मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई कि साहब मेरा जो क्लस्टर का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाने के हिसाब से मेरे को जो एक क्या बोलते हैं उसको कौन सा सर्वे रहते हैं बायोमेट्रिक सर्वे के लिए मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई, तो उसके लिए वो एकड़ के हिसाब से कुछ दो कोटी या कुछ ऐसा, वो परफेक्ट नहीं इतना बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उतना कोटिया खर्चा आता है, तो हिसाब से शिंदे साहब ने मेरे को जो भी खर्चा आता है जो 6-7 कोटी, वो शिंदे साहब ने मेरे को बोला, और उन्होंने कहा वो जो अधिकारी सर्वे वाले थे उनको बोला कि राजन किने का जो क्लस्टर है 38A और 2, तो उसको आप फेज 1 फेज 2 ये डेवलप करने के हिसाब से पहला फेज 1 के लिए जितना भी बजट लगेगा, जो भी लगेगा 6-7 कोटी जितना भी लगेगा, वो आप राजन को दे दीजिए, और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते 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 आज ये दिन आ गया कि अल्लाह का शुक्र मानते, भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज इस चीज़ को यहाँ तक लेके आया कि मैं क्लस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे जो मुमरा के नागरिक है उनको एक अच्छा घर, उनका लीगल घर उनको दिलाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और जल्दी वो इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और इस क्लस्टर योजना को मुमरा में लागू करने के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं अभी थोड़े यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट के कुछ मैंने फॉलोअप लिए थे। ये मैंने महासभा में प्रस्ताव की सूचना दिया था, और ये क्लस्टर डेवलपमेंट का बायोमेट्रिक सर्वे के हिसाब से मैंने जो लेटर दिया था वो है, ये 2014 और 2019 का है, 2021 का है। और अभी आगे मैं हमारे जो मुमरा के हमारे रहवासी है, मुमरा के जो बासिंदे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो क्लस्टर योजना है, ये क्लस्टर योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमें अभी आपने डॉक्टर साहब से भी कहा कि आपको लीगल घर मिलेगा,
और इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपको इसमें कोई भी शंका है तो आप तुरंत महानगर पालिका का एक नंबर दिया हुआ है, बाकायदा उसमें आप ये कर सकते। अभी जैसा कि फिर इसमें हमारे जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे थाना म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत वांगर साहब उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे को योगदान दिया। ये क्लस्टर योजना है, ये अपना आयशा मस्जिद से लेके ये खाड़ी तक के पूरा ये अपना क्या बोलते हैं नारायण नगर से लेके फायर स्टेशन तक के ये पूरा क्लस्टर योजना का ये फेज वन है। फिर बाद में ठाकुरपाड़ा और संजय नगर जो है वो क्लस्टर फेज टू है। तो इस चीज़ को लेके मैंने आपको बता दो कि अब जैसा कि हमारे मुमरा के वासिंदों से कहना चाहूँगा, अब बदलेगा मुमरा, विकास नहीं विकसित होगा हमारा मुमरा। तो इस चीज़ को हम देखते रहिए। हमारे जो नागरिक है उनसे मैं ये जो सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, ये बायोमेट्रिक जो सर्वे शुरू होने जा रहा है, ये सर्वे दो चरण में होगा। एक चरण में पहला चरण लाभार्थी का निर्धारण करने के लिए बायोमेट्रिक सर्वे, और दूसरा चरण सामाजिक और आर्थिक आकलन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। फिर उसके बाद में कुछ मुद्दे हैं, मैं आपको वो मुद्दे को दोहराना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में आने वाले नागरिकों से मैं विनती करता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपने क्षेत्र में आने वाले सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को पूरा सर्वे के लिए सहयोग दें, अपने परिवार और निवास स्थान के बारे में सटीक जानकारी दें, सर्वे निःशुल्क है, कोई पैसे मांगे तो न दें, सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को उनके पहचान पत्र के अलावा कोई भी जानकारी न दें, सर्वेक्षकों को अपने दस्तावेज दिखाए और उन्हें अपने कब्जे में वापस ले लें। यदि आपको कोई व्यक्ति बिना आधिकारिक आईडी के जानकारी लेते हैं या पैसे मांगे तो थाने महानगर पालिका को तुरंत संपर्क करें। उसमें एक नंबर दिया है और मुमरा में हमारे FM इलियासी साहब हैं उनका भी नंबर दिया हुआ, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये क्लस्टर योजना हमारे मुमरा में इसका सर्वेक्षण शुरू हुआ है और इसको हम मुमरा में लागू करने के लिए मैं मुमरा के सभी हमारे जो नागरिक है उनका अभिनंदन करता हूँ कि इसमें उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और मैं और एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ, अगर विरोधी की ऊपर ये बहुत विरोधों ने बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश की और भी आगे उन लोग डाल सकते हैं अड़ंगा, लेकिन इस क्लस्टर योजना का आपको बताऊँ ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई भी पूरी पारदर्शकता रहेगी, इसमें जरा भी कोई ये नहीं रहेगा और जो जो है वो आपके सामने रहेगा। इसमें जो नागरिकों का हमारे जो घर है अगर उसका 100 स्क्वायर फीट भी है तो उसको 325 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, और जो 500 के ऊपर जो घर है, 500 के ऊपर जिसका घर है उसको थोड़ा जो अपना रेडी रखना है यहाँ का जो एरिया का उसका वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखे, उसको ज़्यादा अगर बड़ा उसका है तो उसको ऊपर का जो कॉस्ट है उसको देखे उस चीज़ को वो उसका घर मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विरोधी इसके लिए बहुत अफवाह फैलाएंगे, इसको बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ये करने का कोशिश करेगा। अगर आपको इसमें किसी को भी कुछ शंका है, किसी को भी अगर कुछ ये रहता है तो वो हमारे को तुरंत ये करे, उसको उसकी शंका का निरसन किया जाएगा। महानगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ पर रहेंगे, उपस्थित बाकायदे सर्वे चालू है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, कोई भी क्या बोलते हैं उसको अपनी अकल लगाएं, अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। सबसे ये सर्वे चालू होने वाला दादा ये बताइए सर्वे कब से चालू होने वाला है और क्या संदेश रहेगा यहाँ पे सर्वे करने का? फिलहाल तो सर्वे दो दिन से शुरू हुआ है और नागरिकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, नागरिकों ने भी इसके लिए बहुत सारी खुशी जताई है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरीके से पूरे मुमरा में जो है सहयोग मिले और मुमरा के जो इनलीगल बिल्डिंगों में रहते हैं, एक मुमरा के ऊपर एक जो बोलते हैं कि कलंक है या दाग है इनलीगल का, तो वो मिट जाएगा और हमारे सभी जो छोटा मोटा गरीब और अमीर जो भी नागरिक है उसको क्लस्टर में अच्छा लीगल घर मिलेगा। फेज वन के लिए शुरू है, फेज टू के लिए, फेज वन और टू के लिए।